जब बुलबुल तिवारी जी से बात कर रही थी तो हमने चुपके से रिकॉर्डिंग कर दी थी। सुनिएगा, अब हमें तुम्हारे हारने जीतने से कुछ भी लेना देना नहीं है। उस बार तो ललिता जी ने 1,00,000 रुपया भिजवाया था तुम्हारे हारने के लिए। अब वो तुम्हें किस वजह से हारते हुए देखना चाहती हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ उनसे बच के रहना बुलबुलिया, ठीक है? ये क्या बकवास है मिश्रा जी, आप इन लोगों की बातों पर यकीन मत कीजिए। ये सब हमारे खिलाफ साजिश है, ये सारे फेक रिकॉर्डिंग है। हम तो तिवारी से कभी मिले ही नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टर वर्मा जी, उनसे तो बात हुई थी ना आपकी? हमारे जौहरी मोहल्ले के जो मकान मालिक थे गुप्ता जी, वो भी तो आप ही के लिए काम कर रहे थे ना। इस बात का सबूत तो जमुनिया बुआ भी दे चुकी है ना। शालू सच कह रही है कि आपने भुवन को भेजकर ये सब? भैया जी, हमको माफ कर दीजिए। उस रात मैडम जी के कहने पर ही हमने रंजू भौजा उनके परिवार को मोदी वाले घर में रखवाया था। हमारी सहेली का एक घर है, आप उन्हें वहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए। हम कभी वहाँ गए नहीं है, पर शायद ये घर बूंदी गली में। हमको एकदम भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और पुलिस का छापा पड़ जाएगा। और ललिता जी, आपको तो हमने अपना स्तर का ताज बनाया था। सही गलत सब कुछ किया आपके लिए। अपनी मुस्कान के लिए रात दिन कोलू की बैठ की तरह काम करते रहे। आपने हमारे प्यार के साथ क्या किया? धोखा दिया आपने। हाँ, क्या आपने धोखा? और इस सबके जिम्मेदार आप हो गुड्डू जी, आप हो। आप हमसे कह रहे हमने आपको धोखा दिया? धोखा तो आपने हमें दिया। झूठ बोला हमसे, 14 साल पहले झूठ बोला। हर रात को हमें एक सपना आता था कि एक दिन रंजू आएगी और आपको हमसे छीन के चली जाएगी। ललिता जी, आपके बेटे को निकाल है। हमारा नाम खराब किया उन्होंने। कौन सा नाम, कैसा नाम? जिस नाम की आप बात कर रहे हैं ना, वो नाम आपने हमारे बाप के पैसों के दम पे कमाया है। हम जो कुछ भी है ना, अपनी मेहनत के दम से है। ये बात आप नहीं भूलिएगा। मेहनत से इंसान मजदूर बनता है, मालिक नहीं।